अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। नाजरीन, आज हम आए हैं जी साईं करम लाही के दरबार पे, जो कि उर्फ़े आप में मशहूर हैं साईं कामा वाली सच्ची सरकार। आज हम इंशाल्लाह आपको इनके दरबार का विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, इनकी करामात के बारे में आपको बताएंगे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है, आपको इनकी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि ये कब पैदा हुए। मैं जी नाजरीन ये डिटेल वगैरह लिखी मेरी सारी इनकी, इनका नाम है कि करम इलाही वल्द गुलाम मोहम्मद, इनके वाले साहब का नाम है जी गुलाम मोहम्मद और अलमरूफ कामा वाली सरकार। तारीख मुकाम पैदाइश जी 13 अप्रैल 1838, मल्ला अंदरून काने वाली गुजरात। पीरो मुर्शद है जी इनके हजरत सैयद इमाम शाह कादरी, चंडाला शरीफ गुजरात। और तारीख वफात है इनकी जी 18 जुलाई 1929, हजरत पीर सैयद वलायत शाह साहब गुजराती ने गुसल दिया था और नमाज जगह पढ़ाई थी। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा दरबार अंदर से भी। तो नाजरीन इनकी जो करामात थी ये बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ करामात जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनमें से एक तो ये है कि इन्होंने जो कुआं था यहीं पे पास में वो कुआं है वो दूध का बन गया था। उसकी कुछ स्टोरी इस टाइप से है कि इनके पास एक गढ़ा होता था पानी का, जिसमें से ये भी पानी वगैरह पीते थे। इनके पास जो लोग होते थे वो भी उसी में से पानी वगैरह पीते थे। तो एक दिन एक दरवेश आया, उसने पानी पीना चाहा तो आपने उसको मना कर दिया कि भाई इसमें से पानी ना पियो, जाके कुएं से पानी पियो। तो उसने ऐसे ही बोल दिया जी कि कुएं में क्या कोई दूध आपने डाला हुआ है जो वहाँ से जाके मैं पानी पीऊँ। तो आपको एकदम से जलाल आया और आपने कहा जाओ जाके कुएं से पानी पियो, वो पानी नहीं दूध है। तो जब वो बंदा वहाँ पे गया, उसने पानी निकाला है तो वो वाकई दूध था। तो वो आपकी करामत देख के बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हुआ है और ये जो बात थी बहुत ज़्यादा फैल गई थी और बहुत दूर दूर से लोगों ने आके देखा है और उसकी गवाही दी है कि उन्होंने अपनी आँखों से देखा है कि जो कुआँ है वो दूध से भरा हुआ है। तो ये इनकी बहुत बड़ी करामत है जी, जिसकी वजह से ये मशहूर हैं। दरगाह के अंदर भी नाम लिखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क किया हुआ है। ये खबर है नाजरीन, हम बाहर आ गए हैं। फातिहा हमने पढ़ ली है। अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं ना जी, उनकी कब्रों पर जाकर आपको एक दिली सुकून मिलता है। अच्छा नाजरीन, अब आपको बताता हूँ इनकी ये जो नाम पड़ा है जी कामा वाली सरकार, इसकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। तो इसके बारे में बताते हैं जी कि इनको कबू के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था अपने आखिरी दौर में ना, बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था इनका। तो कौवा जैसे कि आपको सबको मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा इंसान के साय से भी दूर भागता है वो, लेकिन वो जो कौवे थे वो इनके इनके सर पे, इनके कंधे पे, इनके हुक्के के पास आके तो बैठ जाते थे। और जितने भी यानी कि इर्द गिर्द के लोग जो इनको नजराना वगैरह देते थे, खाने पीने की शिया देते थे, वो सारी की सारी कबों में बांध देते।
और इसके पीछे इनकी रीज़न ये थी कि जो कौवे हैं ये इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, हज़ार हज़ार साल से भी ऊपर की इनकी लाइफ होती है। तो इनका मानना था कि हो सकता है कि इन कौवों में कभी कोई ऐसा कौवा भी आकर बैठे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का हो और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत की हो, तो ये भी उनको देख सकें, उसकी आँख में देख लें। तो यानी कि समझ लें कि ये एक अकीदत थी उनकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी वजह से वो कौवों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो इसलिए ये साईं कौवा वाला के नाम से मशहूर हो गए। देखिए माशाल्लाह जो मिजाज की बना हुआ है उसका बिरूनी मंजर है, बहुत ही प्यारा आर्ट वर्क किया हुआ है इन्होंने। दरबार बाबा जी करम इलाही अलमरूफ कामा वाली सरकार रहमतुल्लाह। अच्छा, इनके बारे में एक और बात भी मशहूर है नाजरीन की, ये बड़े ना दरवेश सिख और थे, इन्होंने मजदूरी भी की है अंग्रेज़ों के दौर में। ये जो गुजरात के बाहर अलेक्जेंड्रा का पुल बना हुआ है रेलवे का, वहाँ पर इन्होंने मजदूरी भी की है। और सुनने में आता है कि जब ये वहाँ पे मजदूरी करते थे तो वहाँ का जो गोरा इंचार्ज था उसने देखा कि जब ये अपने सर के ऊपर दाबड़ा होता है जिसके अंदर मसाला वगैरह डालते हैं वो उठाते थे, तो वो इनके सर के ऊपर नहीं आता था, वो 1.5 फुट ऊँचा रहता था। उसने जब ये चीज़ देखी तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसको महसूस हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई अल्लाह के बड़े कोई ख़ास बंदे हैं। तो उन्होंने जनाब फिर उनको कहा कि आप मजदूरी ना करें, आपको आपका मुआवजा आपके घर में पहुंच जाएगा। लेकिन आपने वो वाला मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और आप वापस आ गए। हमने यहाँ पर एक बाबा जी हैं, इनसे बात की है कि हमें वो कुआं दिखाएं जहाँ पर जिस कुएं से दूध निकला था। हाँ, ये कह रहे हैं जी आप चलें, मैं बस कुछ चाबी वगैरह लेके आता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ वो कुआं जहाँ पानी की बजाय दूध निकला था। और ये उनकी बहुत बड़ी एक समझने की करामत है। और ये दरबार के बिल्कुल साथ ही है बैक साइड पे, और इधर लिखा भी हुआ है जी बाबा जी का खूशकिस्मत। और यहाँ पर एक बाबा जी का मच भी बड़ा मशहूर है, चला आपको वो भी दिखाते हैं, उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं, अंदर जाते हैं और इसका विज़िट करते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये वो कुआं नाजरीन। और ये अभी भी भरा हुआ है, इसमें पानी मौजूद है माशाल्लाह। इस तरह से ये चलता था, और पुराने जमानों में तो बैल लगाते थे, बैलों से ये पानी निकलता था। अभी तो ये चीज़ें नापैद हो गई हैं हमारे माशरे से, मोटरें आ गई हैं। और ये जो टिंडे हैं ये इनको टिंडे बोलते हैं, और ये इसके ऊपर लगती हैं जिससे वो फिर पानी जो है बाहर निकलता है और यहाँ से फिर वो बाहर जाता है पानी। तो ये वो कुआं है जी जिसका पानी दूध में बदल गया था। सर ये कितने दिन रहा था दूध, किस तरह बनया सी या दूध किस तरह बनाया? सरकार दा को मिलन वाला आया ना। अच्छा, कोने सरकार दा को पानी दे पियो। ठीक है, वो कौवा दा पानी जूठा सी। सही है, बच्चा ने पियाना ते जेड़े गल्ला नहीं करदे। ठीक है, वो कने ओ तू जा वो कूद पी ला दी ते बाल कड़े पे नहीं तू पी ला। ठीक है, यकीन खलोते यकीन खलवाना इथे आ गया। ठीक है, दुध दस्ती टोर का कहना सरकार एडी चलाली मुबारक जबान है। सही, तो सारा दूध पान गया देखू। सही,
कारोबार बना लिया पानी मिला दुकान मालक साइया की जान जिन्ना अल्लाह ने लाई गल है जी जो वाली अल्लाह ने नजर ही कुछ हजूर कावां के जरिए दर्शन करने की कोशिश की बंदिया के जरिए एक दूजे नहीं कर सकते बिलकुल सही उन्हें हजूर के जरिए कह नहीं अस हजूर के दर्शन करा दे उन्हें कावां के जरिए जिन्ना उन्होंने ज्यारत की हुई सही मनो नहीं लिया कि कान रूल ना इतने पहुंचे बैठे माथा जो आप चखा पकाया कमल अच्छा ए भी सुन च आ रहा के जेडे बच्चे छोटे होंगे तोतले ने बोल नहीं सकते कावां दा पानी पीना बोतल छोटी बना गया ना हाजी घड़ा रखा हो पानी ला ली सही घड़े पा ली सारा फीस भी ले सारा फीस भी मालक ठीक वो जो किसी की खुशी है कावां दा को लंगर पाना चाहे ठीक जो बिस्मिल्लाह नहीं पाना चाहता तो कोई डर ठीक जनाब आप आया जी मच पे साथ में मच है और यहीं पे उनका हजरा उनकी वो जो पुरानी चीजें हैं वो भी इधर पड़ी हुई है कान्हे जो वो इस्तेमाल करते थे उनके हाथों में होते थे और ये चरखा है जी पुराना चरखा है ये उनके दौर की इनकी कुछ यादें जो वो चीजें इस्तेमाल करते थे ये बाबा सरकार जी उनकी चारपाई थी जी और यहाँ पे यानी कि इनका कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ है जो उनके पर्सनल इस्तेमाल में था जी और ये मच है जी ये सामने मच है ये मच है जी ये बाबा जी का मच मशहूर है ये बाबा जी बैठे हुए हैं बाबा जी कावा बना रहे हैं कावा बनाकर सेवा कर रहे हैं लोगों की बाबा जी नाम की थोड़ा गुलाम मोहम्मद नाम है जी बाबा जी का कितना टाइम हो गया सर जी आपको इधर टाइम तो नहीं गिनी पाली है अच्छा नहीं इतने खिदमत करते हैं कि वक्त हो गया कोई आइडिया है जनाब कावा हो गया ये लंगर है इधर का ये मस जो है जी उन्हीं के हाथों का जलाया हुआ है शाम जलता रहता है पूछता नहीं ये अभी हम आप कावा पियेंगे वाह जबरदस्त सारा टाइम अवेलेबल Thank you.
नो सर, शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह। ये उन्होंने अपने हाथों से लगाई हुई है। एक उधर कुएं पे लगाई हुई है, एक यहाँ पर है, एक वो पीछे लगाई हुई है। चार बोड़े लगाई थी माशाल्लाह। जी, उनके दरबार की बैक साइड है। ठीक, ये उनके पोते हैं बाबा रांझा साहब का दरबार। ठीक, ये भी साथ में ही उनके पोते हैं हजरत साईं रांझा सरकार। ये साथ दूसरी कबर किसकी है? नाल उन्हां दी फैमिली है। ठीक है, नाल फैमिली की कबर है जी। ये देखेंगे, ये जी उनके पोते की कबर है। एक और गल भी दसो मैं, उन्होंने बारे च सुन आ रहा जी कि जो गुजरात का पुल बनया सी ट्रेन का गोरिया के जमाने च दरिया दरिया वाला चनाब वाला, आप सरकार ने उत्थे मजदूरी भी की थी। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੋਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਗਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੋਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਦਰ ਚ ਥੋੜਾ ਖਲਰ ਪਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੀ ਰਮਾ ਦੀ ਦੂਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੋਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਥੱਲੇ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਾਡੀ ਬਾਦਰ ਚ ਖਲਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾ ਪਰ ਚਲਾ ਜਾ ਪਰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਛੱਥੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਵੜਾ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪੋ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਨੇ ਹਮੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਬਤਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਥੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਂ। ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।